चलो ओके। जी बेटा, सबसे पहला यूनिट जो हमने डिस्कस करना है ना, वो है इम्यूनिटी का। देखें, मोनोसाइट मैक्रोफेजिस, आप जानते कि मैक्रोफेजिस जो है बेटा, ये ड्राइव्ड होते हैं मोनोसाइट से। तो डेट्स वाई पहले एमसीक्यूज का जवाब बनेगा अल्फा, सॉरी चार्ली। वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम अ डिजीज बिकॉज इट, देखो बेटा वैक्सीन जो होते हैं ना, वैक्सीन ये वीक जर्म्स होते हैं और ये बॉडी को क्या करते हैं, बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं। आपने पढ़ा था ना एक्टिव इम्यूनिटी में ऐसा होता है। फिर बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज पैदा करती है, बॉडीज पैदा करती है, ठीक है ना। तो डेट्स वाई आंसर जो है बेटा वो बनेगा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। चार्ली, बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू द एंटीबॉडी इज, देखो बेटा जो बाइंडिंग होते हैं ना, ये वीक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जबकि ये स्ट्रोंग है, ये भी स्ट्रोंग है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रोंग, सिर्फ वीक ये है। तो डेट्स वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रेक्शन। तो डेट्स वाई आंसर जो है बेटा वो बनेगा अल्फा। देन बोथ बी एंड टी सेल ऑफ इम्यून सिस्टम आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो, बोन मैरो में जो है बेटा ये पैदा होते हैं दोनों। डेल्टा हिस्टामिन, और देखो ये हिस्टामिन और इन्फ्लामेशन जो है ना, दो सेल से पैदा होती है। एक होती है बेटा मास सेल से और दूसरी जो है ये होती है बेसोफिल सेल से। बेसोफिल सेल ब्लड में और मास सेल जो है बेटा ये टिश्यू में प्रोड्यूस करती है, ठीक हो गया। तो बहरहाल आंसर इसका जो है बेटा बनेगा चार्ली, क्योंकि बेसोफिल सेल यहां अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो ये आएगा। शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी, शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी वो होती है जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ना, जिसमें बनी बनाई एंटीबॉडी हम इंजेक्ट कर देते हैं, वो होगी। अच्छा, अब ये क्लोस्ट्रम जो है ना, ये फर्स्ट मिल्क को कहा जाता है। फर्स्ट मिल्क जो होता है ना, उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं। और मिल्क के थ्रू मैंने एक वर्ड यूज किया था लैक्टेशन का, कि मदर लैक्टेशन से जो है वो बेबी में एंटीबॉडीज जो है ये ट्रांसफर होती हैं। और आपको याद होगा बेटा मैंने इसको नाम दिया था नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ये मैंने नाम दिया था। तो डेट्स वाई इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा डेल्टा। मेरा ख्याल अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पैसिव इम्यूनिटी अभी मैंने पढ़ा कि ये एंटीबॉडीज से होती है, इन रिच विद एंटीबॉडीज, आंसर बनेगा डेल्टा। विच ऑफ वन प्रोवाइड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, देखो बेटा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जो है ना, आपको अगर याद हो कि फर्स्ट लाइन और जो सेकंड लाइन डिफेंस था, ये दोनों नॉन स्पेसिफिक थे और साथ ही नेचुरल भी थे, और दूसरे में फैगोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। फैगोसाइट्स में मैक्रोफेजिस भी आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी आ जाते हैं, और न्यूट्रोफिल्स भी आ जाते हैं, ठीक हो गया।
तो बेटा यहां पर जो है वो अब आप देख सकते हो कि इसने कहा कि विच इज नॉट, ये फर्स्ट में शामिल है, फर्स्ट में शामिल है, ये सेकंड में नॉन, ये टी किलर सेल इसमें नहीं है, ये थर्ड में आते हैं, ये थर्ड लाइन। ले आओ फिर करेंगे, हाँ ले आओ फिर करेंगे, ऐसे नहीं। नंबर 10, ईच अम्यूनोग्लोबुलिन, अम्यूनोग्लोबुलिन आप जानते हो बेटा, ये कहा जाता है एंटीबॉडीज को, टू चेन, टू लाइट एंड टू हैवी चेन, ठीक हो गया। बाइंडिंग साइड पूछ रहा है, देखो ये एंटीबॉडी कुछ यूं होती है, यूं, ये वाला हिस्सा, ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये एंटीजन बाइंडिंग साइड भी है और ये वेरिएबल भी है, वेरिएबल भी है, दिस इज आल्सो द एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ये हैवी और लाइट दोनों चेन में है, हैवी भी है, ये हैवी चेन है, और ये लाइट चेन है, तो डेट्स वे आंसर क्या बनेगा बेटा, वो बन जाएगा डेल्टा। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आप जानते हो ये लिम्फोसाइट से, बी लिम्फोसाइट से बनता है, ठीक है ना, और ये वाइट ब्लड सेल की एक टाइप होते, तो आंसर बनेगा चार्ली। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर पास्ड फ्रॉम वन एंड, देखो बेटा डायरेक्टली एंटीबॉडीज जो पास होती है ना वो सिंपल पैसिव इम्यूनिटी से होती है, ठीक है ना, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन करनी पड़ती है एक्टिव में, तो प्रोडक्शन होता तो आता ना, पास जो होती है ना वो तो पैसिव में होती है। तो कंबैट द एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ टेटनस, ये आपको अगर मेरा लेक्चर याद है तो मैंने बताया था कि इनके खिलाफ बनी बनाई एंटीबॉडीज इंजेक्ट होती हैं और वो पैसिव इम्यूनिटी में आ जाती है, आंसर बनेगा डेल्टा। इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल टू लाइट एंड टू हैवी चेन आर बाउंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऐसे दो लाइट और हैवी के दरमियान में, और दो हैवी के दरमियान में अलहदा से डाई सल्फाइड, इसको ब्रिज भी बोलते हैं, बॉन्ड भी बोलते हैं, यह पाया जाता है। अच्छा, वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आर फाउंड इन, देखो बेटा ये वेरिएबल, देखो ये वेरिएबल रीजन था ना ये वाला, ये दोनों लाइट में भी है और हैवी में भी है, हैवी में भी है और लाइट चेन में भी है, तो आंसर बनेगा डेल्टा। इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी टू डू द फॉलोइंग थिंग एक्सेप्ट, देखो इम्यूनिटी की डेफिनेशन में आपको रिकग्निशन भी पढ़ाया था, रिमूवल भी पढ़ाया था और मोबिलाइजेशन भी पढ़ाया था, ठीक है ना, ये मैंने रिस्पॉन्स में बात बताई थी, ये वाली बात इसकी डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है, ब्लॉकेज, हालांकि ये भी होती है, लेकिन इसको ऑप्शन में अगर चारों को करोगे प्रेफरेबल तो ये लीस्ट प्रेफरेबल है, तो एक्सेप्ट लिखा हुआ तो इसलिए यही जवाब आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट, बेटा बताया कि एंटीबॉडी का इंजेक्शन होता है जो कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है ना, एंटीबॉडी इंजेक्शन लगाया जाता है इसमें, डेल्टा बीटा। इन लाइट चेन ऑफ एंटीबॉडीज बोथ वेरिएबल, देखो लाइट चेन में ना, लाइट चेन में ये लाइट चेन है, लाइट चेन में दोनों बराबर होते हैं, अब देखे ना दोनों बराबर है, दरमियान से काट रहे हैं ना, तो ये भी दोनों बराबर है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और ये तकरीबन बराबर है, दरमियान से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इसलिए आंसर बनेगा चार्ली। अच्छा, उसके बाद
नेक्स्ट मूव करेंगे हम एक मिनट बेटा स्क्रीन क्यों डिवाइड हो रही है। चले अपना काम करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। अब उसके बाद है बेटा 19, इन केस ऑफ स्नेक बाइट विनम द पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस बाय। देखो बेटा पैसिव इम्यूनिटी के अंदर ना आप एंटीविनोम यूज करते हो, एंटीविनोम सीरम। मैंने बताया था कि प्लाज्मा में से, अब इसका कॉन्सेप्ट भी दे देता हूं, जब प्रोटीन्स को रिमूव करोगे तो वो बन जाता है सीरम, और सीरम में जब आप एंटीबॉडीज डालते हो तो वो बन जाता है एंटी सीरम। तो एंटी सीरम जो है बेटा वो इस्तेमाल होता है, एंटीविनोम सीरम। तो डेल्टा बीटा आएगा इसका जवाब। ड्यूरिंग इन्फेक्शन टी सेल्स पहले इंटरेक्ट करते हैं बी सेल्स के साथ ताकि इसको स्टिमुलेट कर सकें और इससे एंटीबॉडीज बनवा सकें। तो सबसे पहले इंटरेक्शन इसके साथ होता है, फिर बाकी चीजों के साथ, इसके साथ बाद में होगा, पहले बी सेल्स के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो डैट्स वे आंसर यहां बनेगा बीटा। चले उसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी इज, देखो बेटा स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, म्यूकस सेकंड है, ये सेकंड है, म्यूकस भी फर्स्ट है, तो इसलिए आंसर बनेगा डेल्टा। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। विच इज वन द यूनिट ऑफ इम्यून सिस्टम, लिम्फोसाइट है ना, वाइट ब्लड सेल बेसिक पार्ट होते हैं इसका इम्यूनिटी का। अल्फा पिक अप द वन विच इज द पार्ट ऑफ जर्नल डिफेंस, जर्नल बेटा जो होते हैं ना ये जर्नल डिफेंस होते हैं, ये होते हैं नॉन स्पेसिफिक, उनके लिए लिखा जाता है जर्नल। और नॉन स्पेसिफिक मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट और सेकंड लाइन ये दोनों जर्नल है, तो ये सेकंड लाइन में आप जानते हो कि फेगोसाइट्स आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा, बाकी नहीं आएगा। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स, देखो एक्टिव इम्यूनिटी में आप वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, और वैक्सीन आप जानते हो कि वीक जर्म्स होते हैं जो बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट करवाते हैं, और ये सारा काम बिफोर डिजीज होता है, बिफोर डिजीज। और अगर यहां लिखो तो नेचुरल एक्टिव, जो कि नहीं लिखा, तो फिर ये आ सकता था बीटा, रेजिस्टेंस डेवलप आफ्टर डिजीज, ये होता है नेचुरल एक्टिव में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है तो इसलिए प्रेफरेबल फिर अल्फा है ना। याद करो एक्टिव इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी ना, स्मॉल पोक्स, मम्स और मीजल्स के अंगेंस्ट ऐसा हुआ था ना ऐसा, तो बेटा ये आ जाए। अगर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी पूछता फिर बीटा आना था, सिंपल पूछा है तो फिर अल्फा आएगा। टू विच ऑफ बैरियर, बैरियर जो है ना बेटा देखें, ये फिजियोलॉजिकल का वर्ड यूज होता है लिविंग के लिए, सिंपल फिजिकल का वर्ड यूज होता है नॉन लिविंग, क्योंकि हमारा जो बैरियर स्किन है वो तो लिविंग है, तो डेट्स वाई अल्फा आएगा। एक्टिव इम्यूनिटी इज ड्यू टू मेमरी सेल, क्योंकि मेमरी सेल्स आगे चलकर एंटीबॉडीज जनरेट करवाते हैं, इनमें से कोई एंटीबॉडी जनरेट नहीं करवाएगी, और एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है। एंटी सीरम हैज एंटीबॉडी, आंसर बनेगा बीटा। वेर इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बी सेल फाउंड, देखो बेटा पूछ रहे बी सेल सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, ये नहीं कहां पैदा होते हैं, पैदा होते तो फिर आता बोन मैरो, पाए जाते हैं लिम्फ नोड में, यहां कलेक्शन होती है इनकी, यहां स्टे नहीं करते,
कोई टिश्यू में चले जाते हैं, कोई किधर जमा होते हैं, सबसे ज्यादा एक ही वक्त में आपको मिलेंगे लिम्फ नोड के अंदर, सबसे ज्यादा आपको लिम्फ नोड में मिलेंगे। इन द पैसिव इम्यूनिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर इंजेक्टेड इनटू, पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाया जाता है और इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी का दूसरा नाम है। विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज द एंटीजन ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स? वेरिएबल पार्ट, क्योंकि वेरिएबल पार्ट पर ही एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। टू आइडेंटिकल लाइट चेन एंड टू हैवी चेन आर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आर लिंक्ड, अभी बना के दिखाया था कि डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। इन नेचुरल डायग्राम एंटीबॉडी जो वेरिएबल रीजन जो ऑक्यूपाइड करता है ना बेटा, ये अपर रीजन को ऑक्यूपाइड करता है। एंटीबॉडीज जो है ये लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट से पैदा होती है। टी लिम्फोसाइट आप जानते हो बेटा, टी लिम्फोसाइट जो टिश्यू ट्रांसप्लांट रिजेक्शन था मैंने बताया था कि उसमें सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, सिंपल है। विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी रिकग्नाइज एंटीजन? वेरिएबल पार्ट, क्योंकि एंटीजन बाइंडिंग साइट इसी के ऊपर होता है। एंटी टेटनस में पैसिव इम्यूनिटी होती है और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो इम्यूनिटी होती है ना, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मैंने बताया था स्किन में सीबम, माउथ में सलाइवा और स्टमक में HCL प्रोवाइड करता है, तो इसलिए आंसर अल्फा बनेगा। इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है, मैंने बताया था कि ये सेकंड लाइन में आ जाती है, तो फैगोसाइट्स में आता है ना, तो ये इनेट है, बाकी नहीं है, बीटा बनेगा। डैमेज टू द थाइमस, क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करते हैं और टी लिम्फोसाइट की वजह से सेल मेडिएटेड होती है अल्फा। बी लिम्फोसाइट आर नेम्ड, ये बेटा बर्सा ऑफ फैब्रिकस की वजह से, लेकिन ये बर्ड्स में ऐसा, अगर अगर ये ऑप्शन ना होता फिर बोन मैरो भी आ सकता था, क्योंकि ह्यूमन में बोन मैरो होती है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस नहीं होती। बर्सा ऑफ फैब्रिकस सिर्फ बर्ड्स में पाई जाती है, बी लिम्फोसाइट वहां पर मैच्योर होते, नाम भी उसी से निकला। बेटे क्लियर हो गया ये? जल्दी से बताओ, शाबाश। इसके बाद मैं सेकंड शुरू करने लगा हूं। चले, अच्छा देखिए बेटा, हमारा सबसे पहला एमसीक्यूज है इनिशिएटिंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन। देखो बेटा, हमेशा एवोल्यूशन जो होती है ना, उसके लिए पहला ही वर्ड हम लिखते हैं चेंज। पहली चीज जो आती है ना, चेंज विद टाइम आता है ना दिमाग में, तो चेंज क्या होती है? वेरिएशन होती है।
तो सबसे पहली बुनियादी चीज जो इसमें आती है ना, वो होती है वेरिएशन। अब वेरिएशन के बाद अगला नंबर लगता है एडेप्टेशन का। अब एडेप्टेशन फेवरेबल भी होती है और नॉन फेवरेबल भी होती है। अब जो फेवरेबल होती है उसी से लेके उसी को नेचर सेलेक्ट करती है और नेचुरल सिलेक्शन का अमल होता है। यानी इसमें इसको पहला नंबर मिलेगा, को दूसरा मिलेगा, इसको तीसरा मिलेगा। जो अकॉर्डिंग टू नेचर फेवरेबल होंगे इसमें फिर कंपटीशन आ जाता है, लेकिन इसको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आंसर बहरहाल अल्फा बनेगा। गैलापागोस आइलैंड विजिटेड बाय डार्विन। सिंपल है बेटा, जो बेटा जो सिंपल है हम उसको जरा क्विकली करेंगे। चीफ एजेंट ऑफ एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन है, चीफ एजेंट है, मेन है। विच इज रिलेटेड टू एवोल्यूशन वेरिएशन। मैंने बताया ना कि अभी सबसे बुनियादी चीज है अब सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो बेटा, डार्विन के मुताबिक डार्विन वेरिएशन इज स्मॉल एंड डायरेक्शन, इसकी जो जो वेरिएशन थी ना वो डायरेक्शन लेस नहीं थी, वो डायरेक्शन कंटेनिंग थी। तो ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है। फिर डायरेक्शन लेस लिखा हुआ है, गलत। फिटनेस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर, बिल्कुल ये ठीक है, यही आंसर बनेगा, इससे इसका ताल्लुक नहीं है। चार्ली, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है ना ये हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई होती है, ये पॉइंट याद रखना। ये स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर, छोटी पॉपुलेशन पे लगती है, लिखा भी हुआ, आंसर भी यही है, बीटा। डार्विन फिंचेस प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम, देखो बेटा डार्विन फिंचेस आपको बायोजियोग्राफी के बारे, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज फाउंड इन स्मॉल पॉपुलेशन विदाउट म्यूटेड जीन, बिल्कुल ऐसी है, ये ना बेसिकली इनडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर होती है, लॉस्ट ऑफ जीन होता है, अल्फा बनेगा। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डेवलप ऑन नेचुरल सिलेक्शन, बेटा अभी बताया नेचुरल सिलेक्शन फेवरेबल वेरिएशन के ऊपर लाई करती है। पहला पॉइंट मैंने खुद एक्सप्लेन किया था, एक्टिंग ऑन फेवरेबल वेरिएशन। फिर उसके बाद है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये चार्ल्स डार्विन का कॉन्सेप्ट था। को एवोल्यूशन क्या होती है, देखें को एवोल्यूशन होती है इंटर रिलेटेड एवोल्यूशन। टू ऑर्गेनिज्म इंटर रिलेटेड एवोल्यूशन होती है ये, अच्छा ठीक है ना। मसलन दो जानो, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, दोनों इंटर रिलेटेड है। पैरासिटिज्म बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, बट क्यूमुलसिलिज्म में दो इंटर रिलेटेड नहीं होता, एक रिलेट करता है। एक को फायदा होता, दूसरे को तो कुछ भी नहीं होता, ना फायदा ना नुकसान, इसलिए को एवोल्यूशन में ये नहीं आएगा क्यूमुलसिलिज्म, बाकी दोनों आ जाएंगे। तो आंसर इसलिए बनेगा डेल्टा। देन इन विच रिस्पेक्ट डार्विन थ्योरी इज रॉन्ग, अराइवल ऑफ फिटेस्ट, बेटा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आएगा। ठीक है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात आएगी। फिर लेमार्क जो है बेटा 1809 में इसने थ्योरी को पब्लिश किया था, बेसिकली इसी सन में डार्विन की बर्थ भी हुई थी, डार्विन पैदा हुआ था। लेमार्क रेस्पॉन्ड अबाउट द एवॉल्व नेक ऑफ द ग्राफ जिराफ एज दी, ये देखो बेटा जिराफ का जो नेक का कॉन्सेप्ट था ना लेमार्क के अकॉर्डिंग, वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट था कि डे बाय डे थोड़ा बहुत ऐड होता था और वो अगले दिन मजीद, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ऐड होता रहता था और वो इकट्ठा होता रहता था, जमा होता रहता था। ये ना फर्ज कर लो एक साल में अगर एक सेंटीमीटर बढ़ा है तो दूसरे साल में एक और सेंटीमीटर बढ़ा, तो तीसरे साल तक जो है बेटा वो दो सेंटीमीटर हो गया प्लस वन सेंटीमीटर और बढ़ गया, तो ये तीन सेंटीमीटर, मतलब ऐसे एक्युमुलेट होता गया।
तो डेट्स वाई इट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट डेल्टा. अकॉर्डिंग टू द लेमार्क एवोल्यूशन इज टूवर्ड इंक्रीज इन साइज. इंक्रीज इन साइज जो है बेटा ये आएगा, ठीक है ना. जो मतलब इसने जैसे जिराफ की नेक है वो बढ़ रही है टाइम के साथ, बाइसिप्स इंक्रीज हो रहे है ना, इंक्रीज इन साइज का इसका कॉन्सेप्ट है. फिर एन ऑर्गेनिज्म कैन पास करेक्टिसी डेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम. ये बेटा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर का पॉइंट है और इसी को लेमार्किज्म भी कहते हैं. इसलिए आंसर आपका बीटा बनेगा, सॉरी डेल्टा बनेगा. की पॉइंट ऑफ लेमार्क इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, ये की पॉइंट है, बाकी नहीं है. ये डार्विन के पॉइंट. अच्छा, विच इज नॉट द असम्पशन ऑफ हार्डीवन, ये भी असम्पशन है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है. नॉन रैंडम मेटिंग होती है इसका असम्पशन. परफेंशलन मतलब इरादी तौर पर, नॉन रैंडम मेटिंग था, ये पॉइंट नहीं था इसका, तो इसलिए अल्फा आएगा. अकॉर्डिंग टू डार्विन एवोल्यूशन इज स्लो ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूअस. बीटा, इन विच कंडीशन गिव जीन रेशियो रिमेन कॉन्स्टेंट इन अ स्पीशी रैंडम मीटिंग में. ये क्योंकि ये नेचुरल होती है ना रैंडम मीटिंग, तो इसलिए कॉन्स्टेंट रहेगी. जबकि वहां जो इसके उसमें था हार्डीमन वर्ग में वो था नॉन रैंडम, जो अफेक्ट करती थी जेनेटिकल फ्रिक्वेंसी को, अभी हमने डिस्कस भी किया, उसका पॉइंट नॉन रैंडम मीटिंग था. तो रैंडम मीटिंग जो होती है इससे कॉन्स्टेंट रहती है, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है. अकॉर्डिंग टू डार्विन डाइवर्सिटी एज फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल. देखो बेटा जब डार्विन का नाम आ गया ना तो ऑटोमेटिकली अडेप्टिव रेडिएशन आ जाता है, बाकी चाहे ना भी हो. हालांकि ये पॉइंट सेम फिंचिस के लिए है, ये सेम पॉइंट फिंचिस के लिए बीटा आएगा. By the statement, survival of fittest of Darwin mean the species most adaptable to change and survive. जो सबसे ज्यादा change करेगी वही survive करेगी, तो answer delta बनेगा. इसमें ताकतवर या चलाक होने का कोई सीन नहीं है. जो नेचर के अकॉर्डिंग जो है बेटा वो अडेप्ट करेगा वही सर्वाइव करेगा. डेवेलपमेंट ऑफ, ये अच्छा ये थोड़ा आउट ऑफ टेक्स्ट आ गया था, ये आपने नहीं करना. डार्विन प्रपोज्ड अ न्यू स्पीशी इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्ट्रल फॉर्म बाय. डार्विन ने जो कहा था ना बेटा कि ग्रेजुअल अकमुलेशन होती है किन चीजों की, अडेप्टेशन की, और फिर ये कहां से होती है, ये चेंजिंग एनवायरमेंट से होती है. मतलब पहले वही बात आ गई ना जो सेम मैंने पहले शुरू में बताई कि वेरिएशन है और वेरिएशन के बाद फिर अडेप्टेशन है, और ये अडेप्टेशन इकट्ठी होती रहेंगी और आगे ट्रांसफर हो जाती है. तो ये इसका पॉइंट था बेटा, डार्विन का मेजर पॉइंट था अल्फा, विच इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ लेमार्किज्म. कौन सा लेमार्किज्म नहीं है, रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एनवायरमेंट. ये बेसिकली डार्विन का कॉन्सेप्ट है, ये डार्विन का पॉइंट था, ये लेमार्क का नहीं था, इसलिए ये नहीं आएगा बीटा. डार्विन नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन, बेटा ये डिपेंड करते हैं स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. डेल्टा आएगा. विच इज इनिशिएटेड इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स. पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में जो ज्यादातर डिटेल है वो हार्डी वनबर्ग लॉ के पास है. पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी और हर चीज को कैलकुलेट करने का मेथड बताती है. इसमें बनना है अल्फा. देन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर वाज गिवन बाय निमिटा. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर ये लेमार्क ने दिया था, और ये हार्डी वनबर्ग लॉ की जो सिंपल इक्वेशन है वो ये है. जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है बेटा रैंडम चेंज होता है एक जीन फ्रिक्वेंसी में, रैंडम होता है. लार्ज पॉपुलेशन ये नहीं आएगा, और यहां पर ऑर्डरली चेंज दिया हुआ, ऑर्डर चेंज नहीं होता, ब्रीडिंग में रोल होता है इसका. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है बेटा ये पॉइंट था डार्विन का अल्फा. हार्डी वनबर्ग जो है बेटा नेचुरल सिलेक्शन, ये ना फैक्टर दिए हुए हैं, एक जीन फ्लो मीन माइग्रेशन दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, और ये पांचवा पॉइंट था नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन आ जाता है इसमें. ठीक हो गया.
डार्विनिज्म फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द मेजर टू एबिलिटी टू पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये आएगा, बाकी नहीं आता। ये ठीक है, बाकी गलत है। अब लिखा हुआ है कि इन सर्टन पॉपुलेशन 4% ऑफ पॉपुलेशन इज बॉर्न विद सिकल सेल एनीमिया। अब ये लिखा हुआ है कि स्मॉल ए दिस विल बी इक्वल टू 4%, इसको यूं लिख सकते हो ए स्केयर 0.04, परसेंटेज भी खत्म कर दें। अब इसका ले ले अंडर रूट, यह आ जाएगा 0.2 ए। फिर आप फार्मूला निकाले ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू 1, तो आपने निकालना है कैपिटल ए 1 माइनस स्मॉल 0.2, तो यह आ जाएगा 0.8, कैपिटल ए की वैल्यू आई है। अब हेटरोजाइगोट निकालना है, हेटरोजाइगोट यू निकाला जाता है यू, तो दो भी आपको ऐड करना होता है, तो दो आप ऐड करें, ये इसका जवाब बनेगा अल्फा। .32% जो है बेटा इसका जवाब बनेगा, .32 बनेगा जवाब। अच्छा, इसमें इक्वेशन दिया पी स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील, बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील आएगा, किसको रिपीट करूं, 34 को, जी देखो बेटा स्मॉल ए दिया हुआ है 4%, ये देखो ये दिया हुआ 4%, और पूछा है हेटरोजाइगोट का, ये बताएं हेटरोजाइगोट दिया हुआ है, हेटरोजाइगोट में खाली ये नहीं निकालोगे, बेसिकली ये निकालोगे, ठीक है। तो अब ये आपको 4% दिया हुआ है, इस 4% को ये ए का स्केयर है, परसेंटेज को खत्म करोगे 0.04 आ जाएगा, इसका अंडर रूट निकालो, ये ए आ जाएगा, ये 0.2 आ जाएगा, ये 0.2 आ गया जवाब। अब फार्मूला लगाओ ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इक्वल टू 1, वैल्यू पुट करोगे तो कैपिटल ए की वैल्यू निकल आएगी 0.8, 0.8 निकल आई, वैल्यू पुट करें इस फार्मूले में तो अब पुट करेंगे तो 0.32 जवाब आ जाएगा, ये जवाब आएगा अल्फा, अल्फा आंसर आएगा। 35 का भी अल्फा है। फिर हाउ मेनी स्पीशीज जो है ना बेटा, आप जानते हो कि फिंचिस की 13 स्पीशीज की टाइप्स जो हैं वो उसने कलेक्ट की थी डार्विन ने। प्रोडक्शन ऑफ सेवरल डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स, ये अडेप्टिव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, हार्डी वनबर्ग ने जो फैक्टर जो उसके ऊपर अफेक्ट करते थे वो 5 है, 5 फैक्टर थे जो उस पर अप्लाई होते हैं। अच्छा अब आ जाता है बेटा 39, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, ये मालूम करनी है। इफ टोटल पॉपुलेशन कितनी है 100, तो निकालें। अब अगर यू निकालो ना बी इज इक्वल टू 30, तो एक बी अगर निकालना है तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगी 60, क्योंकि ये दो दफा बी है ना, तो आपने वो फार्मूला नहीं निकाला था, बी निकालने का तरीका ये था टोटल बी अच्छा ये देखें, ये टोटल बी डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल अलील्स मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही था ना। अच्छा अब आप कैसे निकालोगे, आपने एक तो यहां से ये निकाल लिया 60, मैं दोबारा कर रहा हूं इसको जरा देखिएगा, 30
तो बेटा आपने इसको जरब दे दिया 2 से, तो ये निकल गया 60। अब एक और है ये वाला भी आपके पास, बी और बी 60 मल्टीप्लाई बाय 1 60, ठीक है, तो 60 और 60 हो गया 120, ऐसे ही है 120 हो गया, यानी टोटल बी आपके पास है 120 और 100 की पॉपुलेशन है, तो आपके पास नंबर ऑफ अलील हो गए 200। अलील पूछ रहा है ना, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी, टोटल अलील आपके पास है 200। अब आ जाए देखें, आप पुट करें इसको, आप कैसे लिखोगे, मैं जरा यहां लिख रहा हूं, बी मालूम करना है तो आप लिखोगे टोटल बी सम ऑफ ऑल अलील्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप टोटल बी आपने निकाले हैं 120, 200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये निकलेंगे 60%, और 60% का जवाब निकलेगा ये। समझ आया आपको? चलो अब आगे आ जाओ, लास्ट, इन पॉपुलेशन रेड डोमिनेंट एलील एंड वाइट फ्लावर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड फ्लावर। अब देखें, पी स्क्वायर डेट इज 91%, ठीक हो गया। अच्छा, अगर क्यू का दिया जाए तो परसेंटेज में ना, मैं यूं भी लिख सकता हूं इकट्ठा करके, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। तो आप अगर पी स्क्वायर को यहां ले आ, तो ये निकल आएगा 9 निकलेगा, और ये आप इसको 7% वैसे ही लगा ले, मतलब क्यू स्क्वायर के पास वैल्यू बनती है 9 की, तब ये बराबर रहता है, ठीक है। शाबाश, सारा समझा दो उसके बाद सीधा बोल दिया करो। अच्छा दोबारा समझा दो, सबर करो जरा, ये समझ लो पहले, पी स्क्वायर निकला है इतना, तो क्यू तो होगा इतना। अब क्यू का अगर अंडर रूट ले लो, तो इसका भी तो अंडर रूट यूं ले सकते हो ना परसेंटेज खत्म करके, तो ये जवाब निकल आएगा 0.3 क्यू। अब उसने पूछी है वाइड फ्लावर की, यानी क्यू ही पूछा है उसने, और वो भी परसेंटेज में, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जवाब आ जाएगा ये 30%, ये नहीं आएगा, ये आएगा रेड फ्लावर के लिए, रेड फ्लावर के अलील की फ्रीक्वेंसी आएगी 70%, 30% आएगी इसकी वाइट की। अच्छा ये पूछ रहे हो ना, देखो अब सुनो जरा, उसने आपको वैल्यू, उसने बी ये पूछा आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील ये पूछी है, ऐसे ही है। अच्छा उधर से दिया हुआ है कैपिटल बी, कैपिटल बी इज इक्वल टू 30, इसका मतलब है कि यहां 2 बी है ना, ये हो गया 60। इसी तरह दिया हुआ है कैपिटल बी स्मॉल बी 60 दिया हुआ, यहां एक कैपिटल बी है 60, ये हो गया 120। आप बी में लिखते नहीं हो अलील फ्रीक्वेंसी, अगर आप इसको निकालने हैं, टोटल बी
देखो पॉपुलेशन आपके पास 100 की है, ये देख लो 100, अगर 100 की पॉपुलेशन है तो अलील की तादाद 200 होगी, ठीक है ना, 100 इंडिविजुअल में अलील की तादाद 200 होगी। तो आप ये लिख रहे हो, ये आपने अभी निकाला है 120 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 60 आ गया ना, 60%, 60% का मतलब है 0.6, तो आंसर इसका बनेगा 0.6। अब आया समझ? ये मैं वीडियो प्लस ये चीजें शेयर कर रहा हूं आपको,